वार्म वेलकम ऑफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस टेक्निकल मिथिल चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं बता दूं, आज से हमारा पुराना जितने भी सेशन चले आ रहे थे उन सारे सेशन का मैं निचोड़ आप सभी को धीरे धीरे स्टार्टअप करके मैंने बताया था कि पूरा डॉट, हर एक डॉट एक दूसरे डॉट से कनेक्टेड होंगे, हर एक डॉट एक दूसरे से जुड़ेगा और तभी जाकर के हम लोग कंप्लीट एक फिल्टर टेक्निकल रिव्यू कर पाएंगे। जी हाँ, मैंने कल आपको बायोस के बारे में बताया था। जी हाँ, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बायोस हमारे कंप्यूटर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें फर्स्ट प्राइमरी इंटरफेस देने का काम करता है। जी हाँ, तो उस बायोस को हम लोग आज प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे अपने डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे उसके ओपन करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। तो बहुत कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं उसपे, उससे रिलेटेड बायोस में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं उसका पूरा निचोड़, थ्योरेटिकल पार्ट से भी एडवांस लेवल का निचोड़ मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली आज देने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो में बने रहे, एंड तक पूरा कंप्लीट देखें, सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक देखें, ठीक है, तभी आपका वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा। फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। चलता हूं आपको अपने पीसी की ओर। आप देखिए मेरा ये पीसी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जैसे इसको रीस्टार्ट करते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग को करना क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सबसे पहले पीसी को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद डिलीट बटन को कंटिन्यू प्रेस करना है। इसके बाद जो आपको स्क्रीन दिखेगा वो आपका बायोस होगा। बायोस ओल्डर बायोस कुछ ऐसे ही ब्लू कलर का इंटरफेस के साथ में आता है। इसके बाद का अगर बायोस का बात करें तो बहुत ही एडवांस लेवल ग्राफिक्स इंटरफेस के साथ में अवेलेबल होता है, जैसे कि आपको मैं अपने लैपटॉप में भी ओपन करके दिखाऊंगा। प्रीवियस सेशन से रिलेटेड आगे के सेशन में हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता दूँ, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग मेन्यू है। इससे पहले मैंने आपको बताया था बायोस को ऑपरेट करने के लिए कर्सर कंट्रोल की एरो की का यूज करते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आपको लेफ्ट जाना हो, राइट जाना हो तो राइट की का यूज करेंगे, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट। ऑप्शन में अगर ऊपर नीचे आना हो तो अप एंड डाउन की का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर नीचे हम लोग इजीली आ सकते हैं, ठीक है। अब इस मेनू में क्या है, मेन मेनू में सबसे पहले हम लोग हैं, ठीक है। और अगर मैंने बताया था कि इससे किसी और ऑप्शन में जाना हो, इंटर करना हो, तो इंटर की के हेल्प से आप उसके अंदर जा सकते हैं। बाहर आना हो तो मैंने क्या बताया था, एस्केप बटन का इस्तेमाल करना, आप इजीली बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं ना, हम लोग हर एक मेनू को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, कौन सा मेनू में क्या हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे आऊँ, आपको मेन मेनू से दिखाता हूँ, तो मेन मेनू में हमारा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें दिख रहा है एमी बायोस। एमी बायोस जो है, एमी आपको बताया था अमेरिकन मेगा ट्रेंड इंक, ये एक कंपनी है, ब्रांड है जिस कंपनी का यहाँ पे बायोस लगा हुआ है। वर्जन का बात करूँ तो 8.00.02 ये वर्जन है। बायोस बिल्ड डेट अगर इसका तारीख का बात करूँ तो सेकेंड यानी फरवरी 22 तारीख 2006 का ये आपका बना हुआ है। जी हाँ, यानी आप कह सकते हो इस कंप्यूटर में जो सिस्टम बोर्ड लगा हुआ है वो 2006 का है। सिस्टम मेमोरी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 512 MB हमें रैम हमारे सिस्टम में है। सिस्टम टाइम का बात करूँ तो 11:25 अभी का जो आपका टाइम वो अभी दिख रहा है हमारे, ठीक है। आप इस टाइम को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, जो आपका करेक्ट टाइम होगा वो आप कर सकते हो। हो सकता है आपका सीमोस बैटरी वीक हो जिसकी वजह से ये टाइम यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। आपका डेट यहाँ पे दिख रहा है आज फ्राइडे 6/19/2020 है, तो डेट एंड टाइम ये दोनों सेटिंग अगर आपको सेट करना हो तो यहाँ से आप जो हमारा इंटर की है इससे आप स्विच करोगे अलग अलग टाइम वाले पे। नीचे आना है तो आपको एरो डाउन एरो की दबाना है, इससे आप नीचे आ पाएंगे। फिर चेंज करना है, जैसा आपका वैल्यू है वैसा वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करिए, क्लिक करके इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये शायद उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडवांस मेन्यू की ओर। ये जो हमारा एडवांस मेन्यू, कैसे जाएंगे तो राइट एरो दबाएंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा राइट एरो मेरा, इस जगह पर प्रेस करेंगे राइट एरो। जैसे ही प्रेस करा तो एडवांस मेन्यू में आ गया। एडवांस मेन्यू में सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है, क्योंकि मैंने वर्चुअलाइजेशन फीचर का यूज़ किया तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है। ये सिर्फ आपको बेसिक को बायोस बताने के लिए मैंने यूज किया है, जो कि पहला यहाँ पे ऑप्शन है। मैंने बताया था ऊपर नीचे के लिए आपको यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे सिंपली आप एरो किसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा आईडी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर अगर जाना है देखना है क्या है तो इसके लिए एंटर की प्रेस करना होगा, ठीक है। एंटर की प्रेस करके हम लोग सिंपली इससे आगे जा सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग अगर आईडी कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो आईडी कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिखता है, इसके अंदर जा करके एंटर प्रेस करके हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। आईडी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली आपके आईडी, आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव के लिए ऑप्शन होता है। पुराने डिस्क में पाटा हार्ड ड्राइव होता था तो उसके लिए होता है। यहाँ पे अलग अलग चैनल होता है जिसमें हम लोग अपना हार्ड डिस्क लगाते हैं। एक कंप्यूटर में मैंने बताया मदरबोर्ड में मल्टीपल हार्ड ड्राइव भी लगाया जा सकता है, तो हमारे इस वर्चुअल में 4 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, जिसमें पहला जो प्राइमरी आईडी चैनल 0 है इसमें एक हार्ड डिस्क दिख रहा। सेकेंड का बात करूँ प्राइमरी आईडी चैनल 1 पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेकेंड वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड यानी कुछ भी नहीं है। थर्ड का बात करूँ सेकेंडरी आईडी चैनल तो यहाँ पे एक सीडी रोम दिख रहा, और फोर्थ को बात करूँ तो यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड है। सबसे नीचे में एक ऑप्शन है पीसीआई आईडी बस मास्टर। बस मास्टर का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन बनाना। आईडी मास्टर को तो ऑन कर दिया हम लोग, आईडी मास्टर कम्युनिकेशन देता है, और कम्युनिकेशन के अलावा अब ये आईडी हमारे पीसीआई के साथ कम्युनिकेट किया। बैक करते हैं इसको हम लोग एस्केप बटन से। नेक्स्ट फ्लॉपी कॉन्फ़िगरेशन, जनरली दो अलग अलग होता है, फ्लॉपी के लिए ड्राइव फिक्स, फ्लॉपी ड्राइव ए और फ्लॉपी ड्राइव बी। तो आज के डेट में तो फ्लॉपी यूज होता नहीं है। मान लो फ्लॉपी आज के डेट में यूज नहीं कर रहे तो डिजेबल कर दो। सिंपली सिंपली डिजेबल करने के लिए क्या करना होगा, एंटर करेंगे और यहाँ से डिजेबल सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, या आप पुराने सिस्टम में है यूज़ कर रहे हैं तो जो भी साइज का आपका है 1.44 MB, 1.20 MB, 2.88 MB, तो वो साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप डिजेबल करके रखो, क्योंकि जनरली तो यूज़ होता नहीं है, तो डिजेबल रखना ही अच्छा है। तो इसको डिजेबल ही रखना है। इससे आगे का सेशन में देखते हैं, जैसे कि पावर। पावर में क्या होता है कि पावर मैनेजमेंट, ईपीएम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट, इसको आप अगर ऑन रखो तो आपके सिस्टम का पावर ऑटोमेटिक मैनेज होगा। जिस डिवाइस को जितना पावर की ज़रूरत है, जितना स्टार्ट होने के लिए चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिक कंज्यूम करेगा। एपीएम ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा ये जो बूट मेनू है वो होता है। बूट में जाते हैं हम लोग। बूट मेनू में क्या है कि हमारे जो बूट डिस्क प्रायोरिटी होती है कि आपको सिस्टम को किससे बूट कराना है, सीडी से, डीवीडी से, पेन ड्राइव से, ओएस किस में आपका रखा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में पड़ा हुआ है, ये पाथ हम लोग बूट के द्वारा ही बताते हैं। जैसे कि बूट डिवाइस प्रायोरिटी, ये जो ऑप्शन है इस फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में वो होता है जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम। सपोज़ करो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फर्स्ट में आपको जो ऑप्शन यहाँ पे एंटर करके सेलेक्ट करना होता है वो हार्ड ड्राइव करना होता है। और सपोज़ करो आपको न्यू क्लीन इंस्टॉलेशन करना है सीडी के मदद से, पेन ड्राइव के मदद से, तो यहाँ पे फर्स्ट में एंटर करके आपको सीडी रोम लेना है। तो फर्स्ट आपका सीडी रोम रहेगा, सेकेंड आपका हार्ड ड्राइव रहेगा। तो आपकी जो सिस्टम में बूटिंग होगी वो फर्स्ट ड्राइव सर्च करेगा सीडी को, और सीडी में अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया तो वो वहाँ से बूट करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो हार्ड ड्राइव को सर्च करेगा सेकेंड में। हार्ड ड्राइव में नहीं मिला तो थर्ड आपका फ्लॉपी है तो फ्लॉपी को सर्च करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर बूटिंग प्रोसेस आप जिसमें चाहो उसमें आप इसको ऑप्शन को ऑन रखते हो। इससे भी इम्पॉर्टेंट, अगर पेन ड्राइव यूज करते हैं तो ये जो हमारा बैक जाते हैं एस्केप दबा के, यहाँ पे एक ऑप्शन हार्ड ड्राइव है, इस पे इंटर करेंगे तो जैसे फर्स्ट हार्ड ड्राइव आपको दिखेगा साटा, सीगेट जो भी है। सेकेंड ऑप्शन में आप अगर पेन ड्राइव लगा लो या अदर हार्ड डिस्क लगा लो तो सेकेंड हार्ड ड्राइव के रूप में आपको वो पेन ड्राइव दिखेगा। तो आप पेन ड्राइव वाला ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हो, फर्स्ट में पेन ड्राइव रखो और सेकेंड में हार्ड ड्राइव। तो यहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह फ्लॉपी अगर लगा हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको फ्लॉपी में मिलेगा, एस्केप से बैक। सीडी रोम अगर है तो सीडी रोम में मिलेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जैसे कि बायोस में इतना सारा सेटिंग है, ऑन है, ऑफ है, बूट सेटिंग है, पावर सेटिंग है, इन्फॉर्मेशन है, तो इसको सिक्योर करना उतना ही ज़रूरी है। सिक्योर करने के लिए सुपरवाइजर पासवर्ड लगा के इसको हम लोग सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे एंटर जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये हमसे एक पासवर्ड की डिमांड करेगा,
जैसे मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, एंटर, फिर कंफर्म करते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा सुपरवाइजर पासवर्ड इंस्टॉल्ड हो गया। इसको कंफर्म करते के लिए एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ से हमारा सुपरवाइजर पासवर्ड लग गया है। अब इसको जितने भी सेटिंग हम लोग ने किया, यहाँ पे सिक्योरिटी लगा लिया, तो कोई भी सेव करने के लिए जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है F10, ऑलरेडी मैंने बताया था, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है F10, ये F10, तो F10 से सेव के अलावा लास्ट जो बटन वो बता देते हैं, लास्ट मेन्यू जो आपका है एग्जिट मेन्यू, एग्जिट मेन्यू में भी आकर के आप चाहो तो इजीली यहाँ से सेव कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है एग्जिट मेन्यू में आपका, जैसे एग्जिट सेव चेंजिंग, सेव हो जाएगा एग्जिट भी हो जाएगा। एंटर करते हैं, ओके एंटर, अगेन इसको फिर से खोल के देखते हैं। ये देखो क्या अब हमारे पास पासवर्ड इंटर करना होगा, विदाउट पासवर्ड का हम लोग यहाँ से एंट्री बैरियर है, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। इस एंट्री बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही कोई हमारे बायोस में एंटर कर सकता है, विदाउट इस बैरियर को क्रॉस किए नोबडी कैन एंटर ऑन टू आवर बायोस। सो इंटर किया, यहाँ पे इनविजिबल है, दिखता नहीं है, एंटर कर दीजिए, ये हम लोग वापस आ गए। आज का सेशन आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एंड तक आपने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वॉच करो, पूरा समझो, आगे के स्टेप में हम लोग और एडवांस लेवल में जाने वाले हैं, तो उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, अच्छा लगा हो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू।